अगर आपका कोई प्रोजेक्टाइल कैसे एंगल बनाए, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाए, हमने जो अभी तक जितने भी टॉपिक्स किए तो हमने ये माना कि एक प्रोजेक्टाइल को वी के साथ फेंका गया मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल। हमने मैक्सिमम हाइट निकाली, रेंज, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ये मानते हुए कि एंगल किसके साथ है, थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। कई बार क्या होगा, आपको गिवन होगा कि ये एंगल किसके साथ है विद वर्टिकल। अब थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है, वी वेलोसिटी ने एंगल थीटा किसके साथ बनाया, वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनाया, 90 माइनस थीटा। अब ऐसे केस में क्या करें, हमें तो फॉर्मूला याद हैं, जब ये एंगल क्या होता है थीटा, जैसे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, जी नहीं 2g होता है, करेक्शन है 2g, ठीक है, पर फॉर्मूला तब यूज होता है जब एंगल थीटा होता है। अब इस केस में एंगल 90 माइनस थीटा, तो एक काम करो, जहां जहां आपको एंगल थीटा गिवन है फॉर्मूलाज में जो हमने ड्राइव किए, वहां वहां थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 90 माइनस थीटा, राइट। तो आप ऐसा करें, मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में वी स्क्वायर साइन स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम हाइट का, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, पर यहां पर थीटा नहीं, थीटा को किससे रिप्लेस करना है, 90 माइनस थीटा, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, तो आंसर आ गया वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, क्लियर है। और स्पेशली स्कूल के एग्जाम में ऐसा गड़बड़ हो जाती है, स्कूल के टीचर को पता है सब याद करके आ रखे हैं, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ लाइट, वो एंड में लिख देगा कि सपोज अ प्रोजेक्टाइल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद वर्टिकल, अब निकालो टाइम ऑफ लाइट, तो लोग पढ़ते ही नहीं विद वर्टिकल, लोगों ने टाइम ऑफ लाइट निकाल के खत्म हो गया पेपर। अच्छा, पेपर कहाँ से अच्छा होगा, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं वो क्वेश्चन, उसने एंगल क्या दिया, वर्टिकल के साथ, ध्यान से पढ़ लेना। तो आपने क्या करना है, आपने सारी डेरिवेशन वही करनी है, कोई चेंज नहीं करना, एंड में नोट लिख देना है, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट एंगल थीटा इज विद वर्टिकल, तो एंगल विद हॉरिजॉन्टल विल बिकम 90 माइनस थीटा, तो वी विल रिप्लेस थीटा विद 90 माइनस, तो डेरिवेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन वही करो, एंड में थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, मैक्सिमम हाइट। अब जैसे रेंज है, रेंज का फॉर्मूला था जो हमने किया था वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, पर यहाँ पर थीटा नहीं, यहाँ पर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, तो अगेन साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा, तो आंसर वही आएगा साइन 2 थीटा, और वैसे भी रेंज रिमेन सेम अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, तो रेंज तो सेम रहेगी। टाइम ऑफ असेंट या डिसेंट में वी साइन थीटा बाई जी होता है, थीटा की जगह 90 माइनस, ये तो कॉस हो जाएगा, क्लियर है।